क्या इस मंदी में आपके कुछ लॉन्ग कॉल्स भी हैं क्या? देखिए लॉन्ग टर्म, देखिए 100% नेगेटिव या जीरो तो कोई हो नहीं सकता है। कैश का स्टॉक्स तो दुनिया भर का सब पोर्टफोलियो में जो रहेगा ही, पर हम कई बार इस बारे में चर्चा कर चुके हैं कि बहुत सारे कैश के ऐसे स्टॉक्स है जो हमें लगता है 14,000 की निफ्टी दिखा के उसके बाद वो 22,000 की यात्रा को शुरू कर चुके हैं, तो उनको तो हम बेचेंगे नहीं। और शॉर्ट वगैरह जो है ना, टोटल मार्केट एक्सपोजर का 15-20% से ज्यादा, तो बहुत ही बलवान है तो 25-30% कर लेगा। बिल्कुल नेगेटिव पोजिशन तो एकदम स्मॉल ट्रेडर 5 लॉट वाला ही ले सकता है। मैं रिपीट करूंगा, अगर ये मंदी चल पड़ी तो टाटा मोटर्स, मारुति, टीवीएस, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, आप अल्ट्रा सेमको, सीमेंट के भी स्टॉक्स में करेक्शन है, मैं टाटा स्टील भी बेचने में छुपूंगा नहीं। डीएलएफ भी हम बेच देंगे, चाहे हो सकता है 30% घट जाए, उसके लिए 1-2 दिन का इंतजार और करना होगा, हो सकता है आज की क्लोजिंग में सिग्नल आ जाए। और जो भी हमारे कैश के कॉल्स हैं बरकरार रहेंगे, और अगेंस्ट द मार्केट हमेशा इंडिया सीमेंट चलती है, मुझे लगता है बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है अगले 1 साल में, तो उसे तो हम बेचेंगे नहीं, उसे हम लेते ही जाएंगे। इंडिया सीमेंट को साइड में रखते हैं, लेकिन उसके अलावा हम देख रहे हैं सारे के सारे कॉल्स इस वक्त भी, सुशील केडिया का मानना है कि बिकवाली का दबाव बाजार पर हावी होता दिखेगा।